रवि किशन भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रहे हैं। बिहार यूपी में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनके साथ भोजपुरी फिल्मों में बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस ने रोमांस किया है। एक वक्त था जब बॉलीवुड एक्ट्रेस नगमा के साथ उन्होंने काम किया और दोनों के अफेयर की खूब चर्चा हुई थी। नगमा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान के साथ डेब्यू किया था। फिल्म बागी से फिल्मी दुनिया में अपनी एंट्री मारी थी। एक्ट्रेस बॉलीवुड में इतना खास कमाल नहीं दिखा पाई, जिसके बाद वह साउथ और भोजपुरी सिनेमा में चली गई। भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्होंने रवि किशन के साथ काम किया। नगमा ने साल 2005 में पंडित जी बताई ना बिया कब होई से भोजपुरी फिल्मों में अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में रवि किशन उनके अपोजिट रोल में थे। कहा जाता है कि उस दौर में रवि किशन और नगमा ने एक साथ कई फिल्में साइन की और दोनों दिन रात एक साथ काम करते थे। इसी दौरान इन दोनों की दोस्ती बढ़ी और फिर प्यार में पड़ गए। दोनों के इश्क के चर्चे चारों ओर होने लगे थे। दोनों की लव स्टोरी आग की तरह फिल्मी गलियारों में फैली थी, जिसके बाद एक्टर ने भी कबूल कर लिया था कि वो नगमा के साथ रिलेशनशिप में है। आपको बता दें कि जब रवि किशन नगमा के प्यार में थे, उस वक्त वे शादीशुदा थे। रवि किशन ने अपनी पत्नी प्रीति किशन से 1996 में शादी कर ली थी। जब प्रीति को रवि और नगमा के बारे में पता चला था, तो पहले इस रिश्ते से उन्हें काफी परेशानी हुई, लेकिन बाद में उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और शिकायतों का दौर खत्म हो गया था। एक इंटरव्यू में रवि ने कहा था, नगमा अक्सर उनके घर आती थी और उनकी पत्नी के साथ खाना बनाती थी। वही जब रवि बिग बॉस के घर में पहुंचे थे तो दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। नगमा से रिश्ते खत्म होने के बाद रवि वापस अपनी पत्नी के पास लौट आए। रवि किशन के अलावा नगमा सबसे ज्यादा क्रिकेटर सौरभ गांगुली से अफेयर को लेकर सुर्खियों में रही, लेकिन गांगुली ने कभी भी इस बात को पब्लिकली नहीं कबूला। कहा जाता है सौरभ के बाद नगमा का दिल आया एक्टर शरद कुमार पर। जब दोनों की पहली मुलाकात हुई, उस वक्त शरद शादीशुदा थे। जल्द ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन जल्द ही रिश्ता भी खत्म हो गया। वहीं आज रवि किशन अपने परिवार के साथ काफी खुश हैं। रवि किशन और प्रीति किशन को 3 बेटियां और 1 बेटा है। उनकी बड़ी बेटी भी अब फिल्मों में आ चुकी है। रवि किशन फिल्मों के साथ साथ इन दिनों राजनीति में काफी एक्टिव है। वो अब बीजेपी से सांसद है, तो वही नगमा भी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।